हेलो, मैं हूँ गीता। स्वागत है आपका गीताज किचन में। आज मैं आपको रेस्टोरेंट या फिर ढाबा स्टाइल पनीर बटर मसाला बनाकर दिखाने जा रही हूँ। ये वाली रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। चलिए तो फिर हमारे आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक तवा को गर्म कर लिया है, उसमें करीबन 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला है और पनीर को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करके लिया है। पनीर को बड़े पीसेस में कट करने से उसे पलटने में आसानी हो जाती है। और अब हम पनीर को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो, एक तरफ से मैंने पनीर को अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो, दूसरी तरफ से भी पनीर को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो पनीर को ऑयल में डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से करना प्रीफर करती हूँ, इसमें कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म कर लिया है, उसमें करीबन 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालूंगी और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब हम प्याज डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है ऑयल में। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। अब इसमें डालेंगे 5 लहसुन की कलियाँ। अब हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। टमाटर भी हमारा यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन सारी चीज़ों का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें अब हम टमाटर और प्याज को निकालेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब देख सकते हो, मैंने यहाँ पर स्मूथ पेस्ट बना लिया है। मैंने यहाँ पर सेम पैन को गर्म कर लिया है, इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ बटर और बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हमें यहाँ पर फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच पनीर मसाला, 1/4 चम्मच हींग पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। अब इन सारे मसालों को हम 1/2 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी यूज कर सकते हो। सारे मसालों को मैंने यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को क्रश करके डालना है और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटो और प्याज का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, जब तक कि हमारे मसालों से ऑयल रिलीज ना हो जाए तब तक। आप देख सकते हो, हमारे मसालों ने यहाँ पर ऑयल छोड़ दिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए पनीर के टुकड़े और पनीर के टुकड़ों को हमें ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए ग्रेवी में। हमने यहाँ पर पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 कप पानी। मैंने यहाँ पर सेम ग्राइंडिंग जार में पानी डाल कर लिया है। अब एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो, हमारे ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो हमारी ग्रेवी में उबाल आ रहा है। हमारा पनीर बटर मसाला यहाँ पर बनकर तैयार है।